मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं स्कूलों की जानकारी में, तो आज मैं ऐसे स्कूल में नंदनपुरा महाराज बाल मंदिर इंटर कॉलेज, आइए इस स्कूल की भी जानते हैं कि आखिरकार इस स्कूल में भी क्या क्या सुविधाएं परिपूर्ण है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपका इंटर कॉलेज कब से खुला हुआ है? ये काफी दिनों से पुराना है हम लोगों का, लगभग 36 साल हो चुके हैं। 36 साल हो गए। क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में? लगभग इसमें सभी सुविधाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आप गए भी होंगे, मतलब आपने पूरे स्कूल देखा भी हुआ है, बाहर से देखा है, अंदर से देखा है, और इसमें सभी सुविधाएं, जैसे जनरेटर रखा हुआ है अपना, पानी की सुविधा है, और फिर कुछ तो आप ही हैं जो आप देख सकते हैं, बताने से क्या है। सर आपकी क्लासें चलती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाया करते हो? जी हम लोग यहाँ इंटर कॉलेज है, तो आप जानते हैं साइंस साइड से ही, इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और लड़कियों के लिए अपना गृह विज्ञान चलता है। साथ ही साथ हम लोग एक कंप्यूटर शिक्षा है जी, उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा देते हैं कंप्यूटर की बच्चों से, मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, और लड़कियों के लिए जो सुविधा रखी गई है वो सिलाई है, कढ़ाई वगैरह भी, और साथ ही साथ पुस्तकालय, जो कि बहुत ही आजकल ज़रूरी है, तो हमारे स्कूल में पुस्तकालय भी है, और इससे थोड़ा ज्ञान और बढ़ता है भाई यहाँ से। तो आप जान सकते हैं कि सुविधा तो है, लेकिन पूरी सुविधा तो आप कह नहीं सकते। सामने कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र भी है, बच्चों को हम सिखाते भी हैं, और ये लगभग 40 साल तक के भी व्यक्ति सीख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि एक ये जन सेवा भी और NGO के अंतर्गत भी चलता है। अपने यहाँ कम से कम 20 लैपटॉप आए थे। अच्छा। जिसमें से कुछ ख़राब हैं, और अभी इसलिए आपको हम वो कंप्यूटर रूम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ITI का पेपर हो रहे हैं, सेंटर आया हुआ है, इसलिए अभी हम आपको कहीं अंदर नहीं ले जा सकते। ओके सर। दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका विद्यालय बहुत पुराना है जी। सुविधा से परिपूर्ण के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो आप? गरीब बच्चों को जितनी सुविधा विद्यालय तरफ से हो सकती है वो विद्यालय देता है, चाहे फीस की सुविधा हो, चाहे किताबों की, चाहे ड्रेस की, चाहे कॉपियों की, यहाँ तक कि प्रेस पत्र के समय पैसा नहीं होता तो हम ज़्यादातर बच्चों को प्रेस पत्र दे देते हैं, फिर किस्तों में हमारे 100-150 करके लौटाते, नहीं लौटाते उनका जीवन नहीं रोकते, क्योंकि हमारी फीस रोकने से कुछ बच्चे आज आके अपराधी बन जाए, वो समाज और देश और घर भी सबके दुष्ट हो जाए। मैं खुद एक गरीब हूँ, मुझे संत ने पढ़ाया है, तो मैं उनका जो स्कूल जो खुला है वो गुरुदक्षिणा में खोला है, तो जितना उन्होंने मुझे किया मैं ये समझता हूँ कि मैं भी उनके नाम पर सेवा करता हूँ। मुझे जीने के लिए पेंशन मिलती है, जो सहयोग बनता विचार करता टीचरों को देता हूँ, मेरा बिजनेस करना काम बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक फीस का सवाल है तो फीस हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम है, कुछ निःशुल्क भी बच्चे शासन की तरफ से वहाँ पढ़ते हैं जी, और कुछ बच्चों की हालत ऐसी इतनी ख़राब रहती है कि हम उन्हें 50% देश में सहयोग कर देते हैं, स्टेशनरी मारते। एक सवाल और उठ रहा है दादाजी, आपका स्कूल बहुत पुराना है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो नौकरियों पर जा कर पहुँचे हैं और आपके पास आते हैं आशीर्वाद लेने? अब 1983 से स्कूल का शुभारम्भ हुआ था, अब इतनी 38-37 साल की याद तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे लड़के हैं जो इंजीनियर अभी परीक्षा में इंजीनियर हैं, कोई आपके दिल्ली में है। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि उनको ये पता पड़ा कि मेरे स्कूल के लड़का IAS हो गया है, इसके लिए जिंदा हूँ। बकाया बहुत अच्छी नौकरी पर लड़के हैं, विदेश में भी लड़के हमारे पढ़ते हैं, और मैं जब भी बाहर निकलता मैं खुद नहीं पहचानता, बच्चा पे चरण छूता था मैं, रोने लगता कि मैं तस्लायक था नहीं, कहले गुरु जी आपने पढ़ाया। अच्छा शिक्षा जुड़ा, विपनी में इंटर काम किया 40 साल वहाँ रहा, उस ये भी कर रहा हूँ, तो मेरा काम केवल शिक्षा ही से है, शिक्षा ही से जीवन शुरू हुआ और यहीं पर कलम बंद हो जाएगी। विद्यादान ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, अन्नदान और विद्यादान। कभी कभी होता तो बच्चों के लिए मैं कभी खिचड़ी बांट देता, जनता को खीर बांट देता, अन्नदान और विद्यादान तीसरे मैं जानता नहीं।